दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गोविंद नारायण पुरोहित, आपका साथी। मैं आपके लिए काफी वीडियो लाता रहता हूं। आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो घंटी के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। आज हम बात करते हैं गायों में कुछ सामान्य बीमारियां एवं उनका उपचार। सबसे पहली बीमारी है भूख बंद होना। अब भूख बंद होना जो है पशुओं में ये विशेषता है कि जब भी वो बीमार होता है तो सबसे पहले वो खाना पीना बंद कर देता है। तो भूख बंद होना कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है, अथवा कोई जो है असामान्य आपने चीज खाने को दी है उससे भी पशु की भूख बंद हो सकती है। इसके लक्षण है भोजन में अरुचि, वजन कम होना, कमजोरी, सुस्ती, और संभावित कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि कोई बीमारी, कोई संक्रमण, कोई पाचन तंत्र में समस्याएं, तनाव, अथवा पर्यावरण में बदलाव। एकदम से तेज गर्मी हो गई तो भी पशु की भूख बंद हो सकती है, एकदम से तेज सर्दी होने पर भी पशु की भूख बंद हो सकती है। तो कई कारण हो सकते हैं, और कारण का पता लगाने और उचित उपचार प्रदान करने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप जल्द ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसे उपचार कराएं। हिमालय 32 या रूमन एफएस टैबलेट आप चिकित्सक के आने तक दे सकते हैं, लेकिन जान रहे रूमन एफएस या रूमन टोन या अन्य कोई भी गोली जो है वो गाभिन पशुओं को बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं दें। दूसरी जो परेशानी आमतौर पर पशुओं में देखने को मिलती है वो है दस्त लगना। पशु जो है गीला गोबर करता है, बार बार करता है, अथवा छोटे बछड़ों में भी ज्यादा दस्त लग सकते हैं जिससे कि बछड़ा जो है कमजोर हो सकता है। आप देख रहे हैं लक्षण, पानी जैसा मल, बार बार मल त्याग, पेट में दर्द, निर्जलीकरण। आप देख रहे हैं इसमें इस वीडियो में कि कैसे तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत ही पतला गोबर तेजी से ये पशु कर रहा है। तो ये जो है डायरिया का लक्षण है। इसके कारण कई होते हैं, जैसे कि संक्रमण, परजीवी, आहार में बदलाव, तनाव, या कोई जहरीली चीज खा लेना, और कुछ जीवाणु और विषाणुओं के द्वारा भी डायरिया होता है, या पशु को दस्त लग सकते हैं, छोटे बछड़ों को भी लग सकते हैं। अब संभावित उपाय क्या है? कारण का पता लगाने और उचित उपचार करने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। और अगर पशु में पानी की कमी हो रही है तो उसके लिए तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रशासन भी महत्वपूर्ण है। कई बार चिकित्सक जो है उसे ड्रिप भी लगा सकता है, अन्यथा आप पानी में घोलकर गुड़ और नमक मिलाकर भी पशु को पिला सकते हैं अगर वो पी रहा हो तो। छोटे बछड़ों को आप सल्फा डिमिडीन की गोली दे सकते हैं। तीसरा जो कारण है निमोनिया। निमोनिया में पशु जो है अगर कहीं बारिश में भीग जाए, सर्दी के मौसम में एकदम बारिश से भीग जाए, या तेज गर्मी में अगर आपने बहुत तेज गर्मी के दौरान उसको नहला दिया तो भी निमोनिया हो सकता है। देख रहे हैं पशु कैसे मुश्किल से सांस ले रहा है, उसके नाक में से पानी गिर सकता है, तेज बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, पशु का नाक बह सकता है, पशु सुस्त होकर बैठ भी सकता है, और कभी कभी पशु जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो निमोनिया से पशुओं को बचाएं, उसे एकदम से कहीं पानी में, बारिश में भीगने नहीं दें। कारण होता है कई बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमण से जो है पशु जो है उसके फेफड़ों में संक्रमण होता है, उससे कि निमोनिया हो जाता है, और पशु को तेज बुखार भी हो सकता है, भैंस को भी ये बीमारी हो सकती है। तो पशु चिकित्सक से उचित निदान और उपचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, जिसमें पशु चिकित्सक एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और सपोर्टिव केयर जो है वो शामिल हो सकते हैं। वो पशु की स्थिति के अनुसार उसका उपचार करेगा। आप अपने स्तर पर उपचार नहीं करें, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि पशु को ठंड में थोड़ी गर्मास प्रदान करें, कोई झूल वगैरह से ढक दें। एक और जो चौथी परेशानी होती है वो होती है पेशाब में खून, जिसे हिमेचूरिया या हिमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं। पशु आमतौर पर जब आप अमेरिकन गाय या क्रॉसब्रेड गाय बाहर से खरीद के लाते हैं तो उसके पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पेशाब में लाल रंग है। पेशाब करते समय पशु को दर्द भी हो सकता है, और पेशाब करने में कभी कभी कठिनाई भी हो सकती है।
आमतौर पर चिकित्सक जो है पेशाब में खून आते ही बेरेनिल का टीका लगा देता है। अगर उस पशु को बुखार नहीं है तो आप बेरेनिल का टीका नहीं लगाएं। और कारण होता है बेबेसिया या हिमोग्लोबिनुरिया बीमारी, मूत्राशय या गुर्दे में संक्रमण, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव, ये भी कारण हो सकते हैं कि पेशाब में खून आना शुरू हो जाए। आमतौर पर पशुपालक बेरेनिल का टीका लगा देता है अगर उसे बुखार नहीं है। चिकित्सक से सलाह के बगैर आप बेरेनिल का टीका नहीं लगाएं। संभावित कारण का पता लगाने के लिए चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। कमजोर पशुओं को यदि आप बेरेनिल का टीका लगाते हैं तो कभी कभी बिल्कुल ही कमजोर है और ज्यादा मात्रा में आपने बेरेनिल लगा दिया तो पशु की मृत्यु हो सकती है। अब पांचवा और अंतिम कारण जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है कठिन प्रसव या डिस्ट्रोकिया या डिफिकल्ट बर्थ। देखिए, कठिन प्रसव जो है, पशु अगर उसका पहला मोथिन टूट गया है तो कम से कम 2 घंटे इंतजार करें। 2 घंटे से पूर्व हाथ डाल के उस बच्चे को खींचने की कोशिश नहीं करें। लक्षण क्या होते हैं? प्रसव में देरी, कमजोर पीड़ा, प्रसव पीड़ा, बछड़े का असामान्य स्थान, बछड़े का बड़ा आकार, और कई बार जो है पशुपालक जो है जैसे ही पहला मोथिन टूटता है दूसरे मोथिन में उसकी टांगे दिखाई देती है वो उसको फोड़ के उसकी टांगे पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। तो उस समय आप रेत नहीं लगाएं, रेत के प्रयोग से पशु को काफी नुकसान हो सकता है। अन्य कारण हो सकते हैं जैसे बच्चादानी का घूमना, बछड़े का असामान्य स्थान, जन्मजात विकृतियां। तो कारण पता लगा बगैर आप उसको खींचातानी नहीं करें। और कई बार ऐसा होता है कि पशुपालक जो है बहुत ज्यादा ताकत लगाता है, जब तक कि बछड़ा सीधा नहीं हो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आप ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है और आप चिकित्सक को बुलाएं और वो तुरंत सहायता लेना आप बहुत महत्वपूर्ण है और वो आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। जैसे कि वो उसको स्थिति सही करके उसको निकाल देगा, या फिर अगर जरूरत होगी तो वो सिजेरियन या ऑपरेशन द्वारा भी बच्चे को निकाल सकता है जिससे कि बच्चे और माँ की जान बचाई जा सके। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल जानकारी पूर्ण उद्देश्यों के लिए है और पशु चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आप अपने गायों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं तो कृपया हमेशा योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उससे सलाह लें और उसके किए अनुसार उसके सलाह अनुसार उपचार करें। कृपया कमेंट दें, सुझाव दें और वीडियो पसंद आए तो साझा करें और पशुपालन जीएनपी सर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। राम राम। जय हिंद।